शिमला में सेबों को पेड़ों से तोड़ने और पैक करके बाजार भेजने का समय नजदीक आ रहा है, लेकिन इस बार सेब बागवानों को मजदूरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इससे सेब को समय पर तोड़ने और पैक करने में देरी हो सकती है। कोविड-19 की वजह से इंटरनेशनल जो बैरियर हो गए हैं, आप स्टेट टू स्टेट क्रॉस नहीं कर सकते। हर जगह अगर आपको जाना है तो पास बनाना पड़ेंगे, और पास भी इजीली आपको अवेलेबल नहीं है कि हर आदमी को दे देगी गवर्नमेंट। तो मेनली जो कंट्री बैरियर है, ना आपके फ्लाइट्स है, ना ट्रेन है, जो लेबर है वो कहाँ एक टैक्सी करके बुक करके आएगी, कहाँ 40-50 हजार देगी चंडीगढ़ से शिमला आने के लिए। तो ये मेजर प्रॉब्लम है ट्रैवलिंग की। अभी तो नेपाल से भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वहाँ लोग हैं, उनसे बात हो रही है। जी जी जी, उनसे बात हो रही है, पर लेबर सोच रही है कि हम जाए तो जाए कैसे। राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ प्रवासी मजदूरों की आवाजाही की छूट दी है। इसके लिए बागवानों, ठेकेदार और कंपनियों को डीएम और एसडीएम से पास बनवाना होगा। कोई भी बात से, नेपाल की लेबर हो, बिहार झारखंड की लेबर हो, कहीं से भी बात से लेबर लाना चाहता है तो वो हमारे एसडीएम को, हमारे डीसी को अप्लाई करें, उनको परमिट दिया जाएगा और उसके बेस पे वो जो है लेबर को ला सकते हैं और उनको जो है रहने की जो व्यवस्था है, जो हमने एसओपी जारी किया है, उसके साथ करें और वो पहले दिन से ही कार्य करना आरंभ कर सकते हैं। पास बनवाने की इस छूट के बावजूद सेब बागवानों को लगता है कि उन्हें इस बार नेपाल से आने वाले मजदूर नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लोगों को आने से रोका जा रहा है। बंदे आ रहे थे नेपाल से, वो नहीं आ पा रहे, वहाँ बॉर्डर में आना नहीं देते, और यहाँ बंदे के कमी है। हमारे भी कोई फसल है, ये भी नहीं निकाल पा रहे, इसका बहुत समस्या है जी। क्यों नहीं आने दे रहे? लॉकडाउन है, कर्फ्यू कर्फ्यू बीमारी से बॉर्डर में आने नहीं देते, सिर्फ जाने देते, आना नहीं देते जी। ट्रांसपोर्टेशन है वो अभी बेटर नहीं है। जी जी, परमिशन तो हमारे को मिल नहीं रही है कि आप इंटरनेशनल बॉर्डर चेंज करिए, उसके बाद आप स्टेट बॉर्डर, हर स्टेट की परमिशन लेके आइए। अब नेपाल से यहाँ तक कितनी स्टेट्स आएगी? बस हम यही उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट, शायद हिमाचल गवर्नमेंट कुछ हमारे प्रति सोचे और कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन दे जिससे कि हमारे को इजी हो जाए हमारी लेबर्स को वापस लाने के लिए। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अनलॉक 2 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में सावधानी के साथ प्रवासी मजदूरों की आवाजाही को आसान बनाना जरूरी है, ताकि प्रदेश की 4500 करोड़ की सेब इकोनॉमी को मजदूरों की कमी से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।